हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटिंग ब्लॉग्स विद त्रिवेणी का। सो आज है मधुबनी पेंटिंग कोर्स का डे 9 और आज मैं आपको बताऊंगी मधुबनी पेंटिंग की तांत्रिक शैली के बारे में। बट उससे पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे मधुबनी पेंटिंग की तांत्रिक शैली के बारे में। तांत्रिक शैली मधुबनी पेंटिंग की सबसे अलग आर्ट फॉर्म है। पांचों मधुबनी पेंटिंग की जो शैलियां हैं उनमें सबसे अलग, सबसे डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ हम जो धार्मिक पिक्चर्स होती है, जो पौराणिक पिक्चर्स होती हैं उनको बनाते हैं। और इसकी जो खासियत है वो यही है कि जो इन पिक्चर्स को जब हम बनाते हैं तो बहुत ही खास ध्यान हमें रखना पड़ता है। और जो मिथिला रीजन का जो कल्चर है वो तंत्र पर बेस्ड है, इसीलिए यहाँ पर जो खास ओकेजन्स होते हैं, जैसे शादी हो गया, मुंडन हो गया, इस तरीके के जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं उन पे तंत्र बेस्ड पिक्चर्स और डिज़ाइंस ड्रॉ किए जाते हैं। और वो जो भी सारे डिज़ाइंस होते हैं वो तंत्र पर आधारित होते हैं। और इस पेंटिंग में ज़्यादातर जो आप पिक्चर्स देखेंगे वो देखेंगे शिव की, पंचमुखी शिव, महाकाली, महालक्ष्मी, गणेश और इस तरीके के पिक्चर्स जो भगवान से रिलेटेड हैं वो इसमें बनाई जाती हैं। तो यहाँ आगे मैंने आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी और बहुत ही अच्छी महाकाली जी की पिक्चर शेयर की है और पेंटिंग शेयर की है, तो आप उसको देखिए और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके आपको कैसी लगी है। सो यहाँ पर मैंने क्या करा है, इस तरीके से बॉर्डर रेडी कर लिया है और यहाँ पर डबल लाइन बॉर्डर मैंने बनाया है। आप बॉर्डर इसमें कैसा भी बना सकते हैं और मैंने यहाँ पे दो बॉर्डर्स यहाँ पे शेयर किए हैं आपके साथ, आप सिंगल भी बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इन दोनों बॉर्डर्स में मैंने कुछ इस तरीके का डिज़ाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है। आप कोई भी डिज़ाइन अपनी पसंद का यहाँ पर बना सकते हैं, बट मैंने थोड़ा ईजी रखा है जिससे कि आप लोगों को बनाने में ईजी रहे। और यहाँ पर मैंने इस तरह से महाकाली जी की पिक्चर ड्रॉ की है। और इन सबसे जो मेन बात है ना इन पिक्चर्स में और इन पेंटिंग में वो यही है कि जब तक आप अपने इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे नहीं ना, नॉलेज नहीं लेंगे या नॉलेज नहीं होगी तो आप इस तरीके की पेंटिंग्स नहीं बना सकते हैं। सो आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने ये जस्ट सिंपल सा ड्रॉ किया है, इसको बहुत ज़्यादा डिज़ाइन भी बनाया जाता है, घना डिज़ाइन भी इसमें ड्रॉ किया जाता है। और कलरिंग के बाद जो ये मेरी पिक्चर है, पेंटिंग है, वो कुछ इस तरह से लग रही है। यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की वीडियो, थी ना इन्फॉर्मेटिव? अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई ना तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अब नेक्स्ट क्लास से एक बहुत ही धमाकेदार मैं आर्ट का कोर्स लेकर आ रही हूँ, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। और अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्दी से यहाँ पे ये सर्कल को, मेरी जो पिक्चर है उसको प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बस बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए कोर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।